मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राथमिकता इस जिले के हिसाब से ऑर्गेनाइज क्राइम की है, जिसमें कि आपका नशा का व्यापार भी होगा, शराब तस्करी भी होगी, और युवा नशे से दूर रहे, ये मेरी प्रथम और सबसे मुख्य प्राथमिकता है। इसके अलावा जो महिला और बच्चों के संबंधी अपराध है, उसमें स्पेशल सेल एडिशनल एसपी सिकाओ का गठन हुआ है, वो भी मेरी एक प्राथमिकता है। इसके अलावा जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर यूथ है, वो कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए, व्यापार की तरफ जाए, क्राइम की तरफ कम से कम जाए, और ऑर्गेनाइज क्राइम में जो हमारी गैंग्स हैं जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेट कर रही हैं, उनकी कमर कैसे हम तोड़ें, उस पर हम मुख्यतः काम करेंगे। इसमें एडीजी क्राइम श्री एमएनत्री सर ने मुझे डायरेक्शंस दिए हैं, और आईजी सर के नेतृत्व में हम काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि ऑर्गेनाइज गैंग्स जो हैं हनुमानगढ़ जिले में एंटर ना करें, और जो भी युवा इन गैंग्स को फॉलो करते हैं या इन गैंग्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, उनको उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें और एक मैसेज दें कि कोई भी यूथ क्राइम की दिशा में ना जाए। इसमें दोनों चीजें करनी पड़ेगी, हमें जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ हमें सख्त कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। स्पेशली बहुत सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो बेल पे बाहर हैं, उनके बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम प्रयास करेंगे, और जो यूथ है उनको हम पॉजिटिवली एंगेज करेंगे स्पोर्ट्स के माध्यम से, या फिर हम स्पेशल योजना बनाकर प्रशासन से बात करेंगे, और इसमें आप लोगों का सहयोग, जन सहयोग भी हम लेंगे। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हनुमानगढ़ का युवा स्वस्थ रहे, हष्टपुष्ट रहे, और अपने काम धंधों में लगे, ना कि क्राइम में। इसके लिए हमें जो भी प्रयास करने होंगे, हम प्रॉपर योजना बनाकर इस पर काम करेंगे। आप सब लोगों को आश्वस्त करना मैं चाहूंगा कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हनुमानगढ़ जिला ऐसा जिला हो जहां पर यूथ जो है वो नशे से और क्राइम से दूर है। आपको पहले भी कहा, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर ये युवा सट्टा भी आता है और नशे का व्यवहार भी आता है, शराब तस्करी भी आती है, सभी तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस पर अच्छी कार्रवाई होगी। और जो व्हाट्सएप नंबर पहले दिया गया है सूचना देने के लिए, मेरी आप लोगों के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि आमजन को भी ये रिक्वेस्ट है कि उस पर सूचना दें, हम उस पर कार्य योजना बना करके प्लान वे में कार्रवाई अवश्य करें। गाँव के अंदर, राजस्थान के कोने कोने के अंदर अब धीरे धीरे नशा बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है सरकार इसको लेकर गंभीर है। इसमें नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए गए हैं, और इसके अलावा जो मेजर सप्लायर हैं जो गाँव के अंदर नशा सप्लाई करते हैं, हम लोग उनकी आलोचना इकट्ठी करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नशे को अपने व्यापार के रूप में ना ले, और ऐसे लोगों को हम डिसवेट करेंगे कि वो नशे का व्यापार छोड़ करके अपने रूटीन काम में आए। केंद्र के बारे में जो आप बताए उसको हम लिखवा लेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, हम देखेंगे कैसे इसमें बेस्ट हम कोई पॉलिसीज बना पाए जिससे कि एक्चुअल में इनको नशा है, नशा जो करते हैं उन केंद्रों भेजे, कोई इनोसेंट आदमी किसी और प्रोटेस्ट में ऐसा ना जाए, हम इंश्योर करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सूचना है तो जरूर हम आपको बताएं। पॉलिसी की बात कर रहा था, एनएचआरसी की जो गाइडलाइंस है पूरे देश में लागू होती है, और कोई भी पुलिस प्रशासन इससे ऊपर नहीं है, और उसमें वो जुडिशियल डिसीजन है हम उसकी उनका सम्मान करते हैं, और पुलिस की जो कार्रवाई है वो एनएचआरसी गाइडलाइंस के अनुरूप ही हमें करनी पड़ती है, हमें ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये विषय जो है